जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल छोरा 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। दोस्तों अब गर्मी का सीजन आ चुका है तो जाहिर सी बात है कि सभी के मोबाइल हीट करेंगे और बैटरी की प्रॉब्लम रह सकती है। बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो गर्मी में बहुत बढ़ जाती है और हम भागते भागते किसी भी मोबाइल के शॉप पर दौड़ पड़ते हैं उसे रिपेयर कराने के लिए। तो दोस्तों ऐसी में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाया जिससे आप गर्मी में अपने मोबाइल को सेव कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको ब्लास्ट होने से भी रोक सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब भी आप मोबाइल चार्जिंग में करते हैं तो प्लीज़ उसे चार्जिंग करते समय उस फ़ोन का यूज़ ना करें, क्योंकि कुछ घुस के उसको यूज़ करते हैं, मतलब एक साइड गेम भी खेलते जा रहे हैं और एक साइड उसको चार्ज भी करते जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे मोबाइल आपकी एप्लीकेशन भी रन करती है, साथ ही साथ चार्जिंग भी हो रही है। उस टाइम बैटरी आपकी ज़्यादा गर्म होती है और इससे बैटरी के फूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि अभी बहुत ही यूनिक तरीके के स्मार्टफोन आ चुके हैं जिससे कंपनी ऐसा क्लेम कर देती है कि ना ही ये ब्लास्ट होगी, ना ही ये गर्म होगी, ना ही ये बैटरी ख़राब होगी। लेकिन दोस्तों अपनी मोबाइल की सेफ्टी अपने ऊपर ये कि हम इतने महंगे महंगे फ़ोन लेते हैं तो उसकी सेफ्टी की जवाबदारी हम पे खुद पे आती है। तो दोस्तों हो सके उतना अपने मोबाइल को सेफ रखिए और गर्मी में तो खासकर, क्योंकि गर्मी में बहुत ही फूटने के चांसेस आते हैं। और इतने महंगे महंगे वन प्लस के फ़ोन और ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जो आपको आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ये फूट गया वो फूट गया, तो हो सकता है उसके रीज़न कुछ और हो। बट जो नॉर्मली गर्मी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं मुझे भी पर्सनली होता है क्रिएट, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ इसके ऊपर तो आपको कुछ जानकारी मिल सके इससे और आप अपने मोबाइल को सेव कर सकें। दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि मोबाइल को चार्ज करते समय कभी भी उसका यूज़ ना करें, चाहे वो कॉल किसी का कॉल आप आया हो और कॉल। दूसरी बात ये है कि मोबाइल की जो चार्जर है वो अलग अलग एम्पियर्स के आते हैं, क्वालकॉम भी आते हैं, 4 एम्पियर भी आते हैं, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो दोस्तों आपका मोबाइल जितना सपोर्टेबल है वही चार्जर यूज़ करें। ये नहीं कि बाजार में कहीं से भी गए 20-30-100 रुपये का चार्जर उठा के घुसेड़ के चार्जिंग करना चालू कर दिया। इससे दोस्तों आपकी बैटरी पर इफेक्ट पड़ता है, भले ही कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए बट जो एम्पियर्स आते हैं वो ज़्यादा कम होते रहते हैं जिससे बैटरी में प्रॉब्लम होती ही रहती है। दूसरी बात, सबसे मेन बात दोस्तों, कि अगर आप अपनी बैटरी को लॉन्ग लाइफ चलाना चाहते हैं कि 20% आपकी बैटरी हो तभी उसे चार्जिंग में लगा के रख दें और 80% होते ही उसको निकाल लें। इसके बीच में अगर आप ये चार्जिंग रखते हैं तो आपकी बैटरी बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगी और लंबी चलेगी। जो बैटरी ड्राई का जो इश्यू होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको, ये मैंने पर्सनली मैं करता हूँ इसीलिए मुझे पता है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब भी आप अपने मोबाइल को किसी चार्जर से चार्ज कर रहे हो तो हो सके उतना आपके बॉक्स के साथ या अपने आपके मोबाइल के साथ जो चार्जर आया हुआ है उसी का इस्तेमाल करें और उसी से ही चार्ज करें, ना कि बाजार से उठाया हुआ कोई भी चार्जर लेके लगाएं। हाँ, बाजार में दूसरे भी चार्जेबल स्टैंडर्ड अवेलेबल है तो वही स्टैंडर्ड का चार्जर यूज़ करें, भले ही वो 200, 300 या 500 रुपये का आता हो पर वही यूज़ करें, क्योंकि वो कंपनी बहुत ही परफेक्टली बनाती है और जो ये सस्ते चार्जर आते हैं वो सस्ते नशे करके ही बनाते हैं, तो पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग कुछ भी छाप छुप देते हैं। तो प्लीज़ जो अच्छे चार्जर हैं वही इस्तेमाल करें, कितने एम्पियर आपकी मोबाइल लेती है उस हिसाब से अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाएं। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन में गेम खेल रहे हो भले ही वो गेमर फ़ोन क्यों ना हो, माने हालांकि ये कंपनी अभी बहुत एडवांस तरीके से ये फ़ोन बनाती है जिसमें कूलिंग सिस्टम सब कुछ दिया ही रहता है हालांकि, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप जब भी गेम खेल रहे हो और मोबाइल थोड़ा गर्म होने लगे, 20 मिनट या 25 मिनट तक आप गेम रन कर रहे हो खेल रहे हो तो मोबाइल कुछ ज़्यादा ही ओवर हीटिंग हो जाती है। सारे फ़ोन में हो रही है, जो अभी मिड रेंज में फ़ोन आते हैं 15 से 18 हज़ार के बीच में जितने भी फ़ोन आते हैं सारे बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। तो प्लीज़ गर्म होने के बाद उसको खेलने पहले ना जाए, पहले ही ना जाए, उसको आराम करने दें, ठंडा होने दें, नहीं तो अगर वो फट गया तो दोस्तों ना रहेंगे आपके हाथ और ना खेल पाओगे आप कोई भी गेम। तो प्लीज़ मोबाइल को भी रिलैक्स करें, वो मशीन है, मशीन ही उसे रहने दें। दूसरी बात दोस्तों कि जब भी आपका बैटरी ड्राई होने लगता है उसका मेन रीज़न होता है उसकी ओवर चार्जिंग। बाजार में जितने भी फ़ोन आते हैं सारे स्मार्टफोन आते हैं सारे ही ऑटो कट आते हैं, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको पूरी रात लगा के ना रखें, इससे बैटरी ख़राब होने के बहुत चांसेस होते हैं। चाहे कितने भी स्मार्टफोन आ जाए बट दोस्तों आप पूरी रात उसको लगा के छोड़ देंगे तो बैटरी ख़राब होने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं। हाँ, ये बात है कि जो 5 साल बैटरी चलने वाली होती है सीधा 3 साल पे आके खड़ी हो जाती है। अपनी मोबाइल को चार्जिंग में दिन भर लगा के ना रखें, जैसे ये 20% हुआ, 60% हुआ तो आप तुरंत उसको वापस से चार्जिंग में लगा के, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उसको एक टाइम शेड्यूल पे चार्ज करें। हाँ, एमरजेंसी हो कभी
तो आप उसको चार्जिंग में लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप दिन भर घर पे ही हो या ऑफिस में हो तो बस जैसे 40% हुआ तुरंत उसको चार्जिंग में घुसेड़ दिया, फिर निकाल लिया, घुसेड़ दिया, निकाल, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एक टाइम शेड्यूल में ही उसको चार्ज करें ताकि इससे बैटरी आपकी लॉन्ग लास्टिंग चल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।